हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका गुजराल आपका अपने चैनल स्टडी गुजराल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीए सेकंड सेमेस्टर के हिस्ट्री का क्वेश्चन मुग़ल साम्राज्य के पतन कराने जा रही हूँ। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। इतिहासकारों ने इसे दो हिस्सों में बांटा है। पहला कारण व्यक्तिगत तौर पर औरंगजेब को बताया गया है और दूसरा कारण उसके उत्तराधिकारियों को बताया गया है। वैसे इसमें कई कारण ऐसे भी हैं जो विशाल साम्राज्य के कारण भी पैदा हुए थे। अब हम मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों में से जो सबसे बड़ा कारण था वह थे अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वे काफ़ी कमज़ोर थे। औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद उनकी योग्यता सिद्ध करनी जरूरी थी, लेकिन वह बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। उनमें योग्यता नाम मात्र की थी, जैसे बहादुर शाह, जहादर शाह, मोहम्मद शाह, यह बहुत ही अयोग्य और विलासी सिद्ध हुए। वह कर्तव्य से ज़्यादा सुंदरता के पुजारी थे। लगभग सारे मुग़ल बादशाह अपने इस कार्य में असफल सिद्ध हुए। वह अमीरों के हाथों की कठपुतली बनकर नाचते थे। ऐसी हालातों में मुग़ल साम्राज्य का पतन होना कोई भी हैरानी वाली बात नहीं थी। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए दूसरा कारण था उस समय का विस्तृत साम्राज्य। औरंगजेब के समय मुग़ल साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया था। इतने विशाल साम्राज्य को संभालना तो औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाह के लिए भी मुश्किल था। तो उसके बाद उसके कमज़ोर उत्तराधिकारी ऐसे विस्तृत साम्राज्य को कैसे संभाल सकते थे। विस्तृत साम्राज्य के होने के कारण भी औरंगजेब के मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। सेना की कमज़ोरी। मुग़लों की सेना विलासप्रिय थी, वह काफ़ी कमज़ोर थी। मुग़ल सेनापति सुरा और सुंदरी के इतने मतवाले हो गए थे कि वह हरम में सैकड़ों औरतें रखते थे। शराब पीने में तो उनका कोई सानी ही नहीं था। इसका निष्कर्ष यह निकला कि उनमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक गिरावट सी आ गई। ऐसे सरदारों के होते हुए मुग़लों की सैनिक शक्ति कमज़ोर हो गई। इसके अलावा सैनिक भी अक्सर पालकियों में बैठकर युद्धों में जाते थे, सुंदरता और शराब के नशे में डूबे रहते थे। ऐसे सरदार और सिपाही कब तक मुग़ल साम्राज्य की रक्षा कर पाते। इससे भी मुग़ल साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक ही था। मुग़ल साम्राज्य के पतन में एक कारण यह था कि औरंगजेब काफ़ी धार्मिक कट्टर व्यक्ति था। वह केवल अपने ही धर्म को अधिक महत्व देता था। वह सुनी संप्रदाय के अतिरिक्त किसी भी और धर्म के अस्तित्व को सहन ही नहीं कर पाता था। यही कारण है कि उसने हिंदुओं पर अनेक अत्याचार किए। उनके मंदिरों को गिरा दिया, उनकी मूर्तियों की निरादरी की, उन्हें जबरन मुसलमान बनाया, इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए कहा, हिंदुओं को सरकारी पदों से अलग कर दिया गया, उनसे अनुचित कर लिए गए जैसे जजिया, तीर्थ कर। इन अनुचित कार्यों के कारण सम्राट ने हिंदुओं को अपना दुश्मन बना लिया। हिंदुओं को दुश्मन बनाना, उससे इससे काफ़ी ज़्यादा हानि उठानी पड़ी। निष्कर्ष यह हुआ कि औरंगजेब की मौत के 15 साल के पश्चात मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण में एक कारण राजपूतों के साथ दुर्व्यवहार था। राजपूत राजस्थान की एक बहादुर जाति थी। सम्राट अकबर ने राजपूतों के प्रति मित्रतापूर्ण नीति अपनाई थी, उन्हें अपना राज्य भक्त बना लिया था, उनसे मित्रता गहरी की थी। परंतु औरंगजेब ने इस राज्य भक्त जाति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उनके मंदिरों को गिराया, उनके शासक अजीत सिंह का निरादर किया, राजपूतों के प्रदेशों पर जबरदस्ती अधिकार किया। औरंगजेब की राजपूतों के प्रति इस कठोर नीति के भयानक निष्कर्ष निकले। राजपूत जो काफ़ी लंबे समय से मुग़ल साम्राज्य के रक्षक थे, अब वे मुग़लों के विरुद्ध हो गए।
उनके जबरदस्त विरोध के कारण मुगल साम्राज्य को हानि पहुंची। मरहट्टों से दुर्व्यवहार। औरंगजेब ने दक्षिण के प्रसिद्ध मरहट जाति के साथ भी बुरा व्यवहार किया। उसने अपना काफ़ी समय मरहट्टों से युद्ध करने में लगा दिया। इससे उसे जन धन दोनों प्रकार की हानि उठानी पड़ी। जब औरंगजेब चाहता तो वह मरहट्टों से मित्रता कर सकता था, अपना कीमती समय बचा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने सरदार शिवाजी को दरबार में बुलाया और उसका काफ़ी अपमान किया, उसे कैदी बनाया। बहादुर और स्वतंत्रता प्रेमी मराठा जाति इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और वह भी मुग़लों के विरुद्ध हो गई। मुग़लों के उनका विरुद्ध होना मुग़लों के पतन का कारण बना। अब सिखों से भी औरंगजेब ने दुर्व्यवहार किया। औरंगजेब एक कट्टर सुनी मुसलमान था। उसने पंजाब के सिखों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को सहन नहीं किया। उसने गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद किया। इस शहीदी का निष्कर्ष यह निकला कि पंजाब के सिख भड़क गए। उन्होंने गुरु जी की शहीदी का बदला लेने के लिए मुग़लों के अत्याचारी शासन का अंत करने का प्रण किया। औरंगजेब के समय मुग़लों ने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ अनेक युद्ध किए। गुरु जी ने इन युद्धों में मुग़लों को अच्छा सबक सिखाया। गुरु जी के इस कार्य को बंदा बहादुर ने आगे किया। बंदा बहादुर की बहादुरी ने भी मुग़लों का डटकर विरोध किया। इससे भी मुग़ल साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक था। मुग़लों के अनेक ऐसे छोटे बड़े कार्य थे जिससे उनका पतन होना स्वाभाविक ही था। एक कारण यह भी था कि उस समय उत्तराधिकारी के नियम नहीं थे। मुग़लों में उत्तराधिकारी का कोई खास नियम नहीं था। मुग़ल राजाओं को यह पता नहीं चलता था कि उनकी मौत के बाद गद्दी कौन संभालेगा, इसलिए गद्दी के लिए वे आपस में झगड़ा करते थे। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के लगभग सभी उत्तराधिकारी की मौत के बाद मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी संबंधी युद्धों का सामना करना पड़ा। इन्हीं युद्धों के कारण मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया, जिससे वह अपने पतन की ओर आगे बढ़ता चला गया। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए वैसे तो कई कारण जिम्मेदार हैं, लेकिन कहा जाता है कि उस समय मुग़ल साम्राज्य आर्थिक तौर पर भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। मुग़ल साम्राज्य की आर्थिक कमजोरी उसके पतन का मुख्य कारण बनी। अकबर के बाद किसी ने भी मुग़ल बादशाह ने कृषि, व्यापार, उद्योग को उचित उत्साह नहीं दिया। निष्कर्ष यह निकला कि राज्य की आमदन दिनों दिन घटने लगी। जहांगीर और शाहजहां ने तो खजाने का काफ़ी धन फजूल के युद्धों, भवन बनाने में खर्च कर दिया। इस तरह औरंगजेब के राज्य गद्दी पर बैठने तक शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। इसको मजबूत करने की आवश्यकता थी, परंतु मुग़ल साम्राज्य में ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो इसे मजबूत कर सकता, अपितु वह भोग विलास में बहकर चलते गए। निष्कर्ष यह निकला कि मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। जागीरदारों ने भी मुग़ल साम्राज्य के पतन में भूमिका निभाई। मुग़ल साम्राज्य के पतन में जागीरदारों का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपनी जागीरों से काफ़ी आमदन प्राप्त की। उनके पास अपने सैनिक थे, वे राज्य के बड़े बड़े पदों पर थे, उनका एकाधिकार था। वह अपने राज्य के प्रति स्वामी भक्त नहीं रहे थे। मुग़ल साम्राज्य के कमज़ोर होते ही वे अपनी शक्ति को बढ़ाने लग जाते थे। अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए वे एक दूसरे को नीचा दिखाते थे। धोखेबाजी, भ्रष्टाचारी को बढ़ावा मिला। इन सभी कारणों के कारण जागीरदार प्रणाली ने मुग़ल साम्राज्य को पतन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः हम कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक दो कारण नहीं, अपितु कई कारण जिम्मेदार थे। भले ही वहाँ उस समय का साम्राज्य विस्तृत था, उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर थे, सेना में कमजोरी थी, उत्तराधिकारी के लिए कोई नियम नहीं था, जागीरदार भ्रष्ट हो चुके थे, उस समय आर्थिक कमजोरी आ चुकी थी, सिखों के साथ दुर्व्यवहार किया था औरंगजेब ने, मरहट्टों के साथ भी दुर्व्यवहार किया था, सिख वह राजनीतिक प्रतिभा की उस समय कमी थी,
औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता थी। अनेक कारण थे जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कारण में जिम्मेदार बने।